हेलो फ्रेंड, नमस्ते जय माता दी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा फाड़ी ब्लॉगर। आई होप आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी गाइज मैं सुबह के 10:30 बजे क्लिप बना रही हूँ। तो अभी मैं घास को आई हूँ अपने खेत में। ये मेरे पाजे का पेड़ है, ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है। तो गाइज मैंने बोला आप लोगों को कि मैं अपने खेत में आई हूँ, पाजे के पेड़ में चढ़ी हूँ और इतने मोटे मोटे हो गए गाइज, क्योंकि 2 साल हो गए इसको मतलब काटे हुए। तो अभी मैं आई हूँ, ये देखिए ट्रैक लेके तो ऐसे पकड़ी हूँ गाइस। ये देखो पैर कैसे रखा है। और ये पेड़ ना बहुत ऊंचा है गाइस, निचली साइड देखना तो डर लगने स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने थोड़ा सा काट दिया है और इधर से कैसा दिख रहा है व्यू पेड़ से। तो गाइज अभी मैं नीचे उतर चुकी हूँ। ये देखिए मैं कहाँ चढ़ी थी, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी। अब मैं नीचे तो नहीं उतरी हूँ, अभी भी बहुत रह गया ये देखिए उतरने के लिए, पर फिर भी नीचे उतर गई हूँ। इतने तो मतलब थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, ऊपर से तो मतलब गिरने का भी खतरा होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कितना काटा और कहाँ से काटा नीचे जाके, क्योंकि देखिए मेरे डाटू भी नीचे गिर चुका है। तो भूतनी बन गई हूँ मैं। एक तो मेरी वीडियो में पहले से व्यूज़ नहीं आते हैं डर के मारे, और भी ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि मैं भूतनी बन गई हूँ अभी। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैं चढ़ी थी ऊपर, यहाँ से तो नज़दीक ही लग रहा है गाइस। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ है, एक ही पेड़ है और इसमें एक ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और ये वाली भी मैंने आधी काट दी, आधी रह गई है। तो बहुत ऊंचा पेड़ है, तो ये काटा मैंने नीचे इतना सारा और ये फंस गया है आधा पार बीड़ के पेड़ में। तो चलिए उतरती हूँ नीचे, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पाजे का पेड़, यहाँ से है ये स्टार्ट और यहाँ से। और मैं तो बहुत ऊपर चढ़ी थी, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है गाइस। बहुत बड़ा पेड़ है ये, बहुत ही बड़ा। तो ये देखिए इतना हो गया मेरा, ये गिरा है, मैंने पता नहीं उठाया जाएगा। और डाटू मेरा यहाँ पे गिर गया है। इतने बड़े बड़े थे ये, यहाँ पे मैंने लकड़ी अभी रख दी है इसकी काट के। तो चलिए फटाफट से छोटा छोटा करके निकालती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो लिया जाएगा नहीं। आधा ऊपर पेड़ में फंस गया, ये निकालना पड़ेगा बीउल के पेड़ में। तो गाइस ये देखिए इतनी सारी लकड़ी भी हो गई मोटी मोटी, आधी थोड़ी पुरानी थी थोड़ी नई, और एक गड्ढा दीदी ने लिया और 2 गड्ढे मैंने लिए और 3 बड़े बीउल के हैं। और ये देखिए मैं चढ़ी थी इतने ऊपर और मेरे को लग रहा था डर बहुत ज़्यादा कि कब जैसे गिरूँ मैं नीचे को। तो भगवान का शुक्र है और आप लोगों का ये शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं पहुंच गई नीचे। और ये देखिए एक तो गुड़ू लग गया ना इसमें, बहुत सारे पाजे के पुजुड़ू, तो ये ज़्यादा भारी होता है उठाने में। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए इतना सारा हो गया, ये थोड़ा सा भीड़ रखा है मैंने वहाँ पे। ये देखिए ये मैंने भर दिया है, वहाँ पे भीड़ भी है 3 गड्ढे मेरे को भरने के लिए। तो सारा ले जाऊँगी एक साथ, कैसे उठाऊँगी पता नहीं, भारी होगा बहुत ज़्यादा, पर उठाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। कौन बारा? मरांडे। किजो। तो फ्रेंड अभी मैंने इनको घास दे दिया है पाजा और थोड़ा सा दिया है बीउल, और ये मैंने बीउल पहले दिया था इनको और पत्ते अलग मतलब निकाल के इनको खिला दिए, नहीं तो ये पूरे ही चबा जाते हैं और फिर लोइया कैसे बनाएंगे हम। तो मैं अभी पत्तों को निकाल के दे रही हूँ इनको, तो हाथ भी दुख जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लग भी गई मेरे को ऐसे पत्ते निकाल निकाल के देना। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे।
तो फ्रेंड अभी जो है 4 बज चुके हैं दिन के, शाम के बोले तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, बाहर काम करने लगे हैं जो। तो गाइस यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है बाबा जी के लिए, मिस्त्री भी लगे हैं सोच आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने आज तक आप लोगों के साथ कभी भी चाय की वीडियो शेयर नहीं की है, क्योंकि चाय सबको बनानी आती है, तो मैं बस ऐसे ही दिखा रही हूँ जस्ट। चलिए, मैंने पानी नहीं डाला है गाइस, क्योंकि दूध मेरे पास काफ़ी है, तो मैंने दूध ही डाला है। तो मैं सीधे डालूँगी पत्ते चाय पत्ते। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। अगर गुन्नू आप देख रहे हो मेरी वीडियो तो आपकी तो फेवरेट है चाय भाई, आ जाइए चाय पीने। तो उसमें रखा मैंने तेज पत्ता, फिर डालूंगी चाय में एक ही पत्ता डालूंगी। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कुछ लोगों को चेन लगती है, क्योंकि हैवी होती है ना ये सब चीज़ें डालने से, तो मैं सिंपल से डाल यही। पूरा दिन लगी थी धूप और अभी मौसम इतना ख़राब हो गया है ना, बारिश आने वाली है गाइस, और मेरी दीदी के घर में तो स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। तो दीदी ने भेजी है वीडियो, डालूंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है स्नोफॉल। लेकिन तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। हाथ ठंडे हो गए हैं, मैंने कपड़े धोए अभी, तो इस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। चलिए बना लेती हूँ पहले। तो अभी इसको अच्छे से काढ़ना है अच्छे से, क्योंकि जितना हम इसको काढ़ेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है चाय, क्योंकि अभी तो चाय पत्ती का कलर भी नहीं आया है। अगर आप लोग भी ऐसे बनाएंगे चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैं वैसे पीती नहीं, पर आज मेरे को पीनी पड़ेगी, ठंड बहुत हो गई है, उसका कलर भी आ रहा है धीरे धीरे से। तो अब रेडी हो गई है ये, तो अभी मैं भर रही हूँ गिलास में। तो यहाँ पे मैंने चाय भर दी है, तो अभी मैं बाहर जाके दूंगी चाय।